मिस्टर ब्रिजेश, आप बहुत ही शार्प और इंटेलिजेंट जर्नलिस्ट हैं। आप क्यों नहीं अपनी ये इंटेलिजेंस हमारे लिए यूज करते? आपको भी फायदा होगा और हमें भी फायदा होगा। मतलब कौन मतलब तो बहुत साफ है ना। एक्सक्यूज मी, शुड आई हैव अ ड्रिंक? गो ओके, थैंक यू। आप हमारे लिए अच्छा लिखिए मिस्टर ब्रिजेश, हम आपके लिए अच्छा करेंगे। आप एक लीडिंग न्यूज़पेपर के रिपोर्टर हैं, लिखिए कि उस बिल्डिंग के गिरने में हमारा कोई हाथ नहीं था। मतलब झूठी रिपोर्टिंग? कम ऑन मिस्टर ब्रिजेश, रियली, सच और झूठ जैसी तो कोई चीज नहीं होती। कम ऑन, एक वो न्यूज होती है जो फायदा करती है और एक न्यूज होती है जो नुकसान करती है। मैं सिर्फ आपको पहली वाली न्यूज छापने के लिए कह रही हूँ। आप रिपोर्टर हैं, आपकी भी अपनी जरूरतें होंगी, फैमिली, एम्बिशंस, घोड़ा गाड़ी वगैरह वगैरह। आप हमारा ख्याल रखिए, हम आपका ख्याल रखेंगे मिस्टर ब्रिजेश। तो आप कल ऑफिस में आइए और चेक ले लीजिए मिस्टर ब्रिजेश। यस, मैं सोच के बताता हूँ। थैंक यू। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर। वाह मिसेस रुशाली, वाह। तो ये सोच है आपकी, ऐसे ही पैंतरे आजमा कर आप यहां तक पहुंची है ना मिस्टर मानव देशमुख? डीके सर के बिजनेस पार्टनर, जिनके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। मिस्टर देशमुख, आप इस कमरे में किसी को जानते हैं जो ऐसे पैंतरे नहीं अपनाता? अपने आप को हमारे साथ कंपेयर करने की गलती मत कीजिए मैडम। हमारी कंपनी कुछ उसूल हैं, एथिक्स, और हम हमारी कंपनी को उन्हीं प्रिंसिपल्स और एथिक्स पर चलाते हैं। मिस्टर देशमुख, आई एम रियली सॉरी टू ब्रेक इट टू यू, लेकिन हम अब 21st सेंचुरी में हैं और बिजनेस एथिक्स और प्रिंसिपल्स पर नहीं चलते, इंटेलिजेंट मैनिपुलेशन पर चलते हैं। आज के बिजनेस का रूल है, जो हम करें सो कायदा। नमस्ते, आई एम वेरी इंप्रेस्ड विद योर प्रोग्रेस मिस्टर देशमुख। एक मामूली मैकेनिक से इतने सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना कोई जोक नहीं है। बट आई डू विश कि जिस तरह आपके बिजनेस ने प्रोग्रेस किया है, आपकी सोच भी वैसे ही प्रोग्रेस की होती तो आप क्या एथिक्स और प्रिंसिपल जैसे आउटडेटेड चीजों को लेके इतना पोजेसिव नहीं होते मिस्टर देशमुख। रियली, आपके लिए ये सारी चीजें आउटडेटेड होंगी, लेकिन मेरे लिए यही मेरी पूंजी है, एंड आई एम श्योर डीके सर विल शेयर माय ओपिनियन। तूने डीके सर के साथ पार्टनरशिप छोड़ दी? हाँ बाबा, खत्म करती मैंने पार्टनरशिप, और ये मुझे बहुत पहले ही कर देना चाहिए था। मैं ही पागल था जो हम दोनों के बीच की अनबन मिटाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो कहते हैं ना बाबा, विनाश काले विपरीत बुद्धि, वही हुआ है डीके सर के साथ। वो सिरीश और उसकी वाइफ ने उनका ऐसा ब्रेन वॉश किया है कि उन्हें मुझसे ज्यादा उन पर भरोसा है। और ऐसी पार्टनरशिप का क्या मतलब है बाबा, जिसमें भरोसा ही नहीं हो? मानव, देखिए आप थोड़ा शांत रहिए, हम इस बारे में बाद में बात कर सकते हैं ना। सचिन, तू आज के बाद उस कंपनी का लॉयर नहीं है, तू मेरी कंपनी का लॉयर। सुना तूने? डीके सर को लगता है ना कि मैंने ये कदम उठाकर गलत किया है, तो मैं उन्हें साबित करूंगा कि मैंने कुछ गलत नहीं किया है। और हां, आज के बाद डीके सर या उनकी कोई भी कंपनी से हमारा कोई संबंध नहीं। कोई संबंध नहीं। जैसा आप चाहते हैं वैसे ही होगा मानो, लेकिन अभी प्लीज आप शांत हो जाइए। हाँ, चलिए अंदर चलिए।
मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा है कि बाबा और डैड की पार्टनरशिप क्यों इस तरह बीच में टूट गई। यकीन तो मुझे भी नहीं हो रहा पूर्वी। माना बाबा और डैड सिर्फ पार्टनर्स नहीं थे, बहुत अच्छे दोस्त हैं। मैं बचपन से उनकी दोस्ती देखता आ रहा हूँ और आज अचानक से सब खत्म हो गया ना अर्जुन, और वो भी एक तीसरे बंदे की वजह से जो कि सिर्फ एक प्रोफेशनल कॉन्टैक्ट है उन लोगों के लिए। तुम कहीं मिसेस करमरकर के बारे में तो बात नहीं कर रही? ऑफ कोर्स अर्जुन, और किसकी बात करूंगी मैं। बाबा भी सही कह रहे थे, उस रिपोर्टर को मैनिपुलेट करके इन्होंने अपनी पॉजिटिविटी की पब्लिसिटी कराई। अब हमें सिर्फ उस रिपोर्टर को पकड़ना होगा और उसका बैकग्राउंड चेक करके डैड के सामने लाना होगा ताकि उन्हें पता चल सके कि बाबा ने कुछ गलत नहीं किया। एक सेकंड, तुम पार्टी में थी ना? अर्जुन तुम कहना क्या चाहते हो कि बाबा झूठ बोल रहे हैं? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बाबा झूठ बोल रहे हैं, मैं सिर्फ तुम्हें ये बता रहा हूँ कि बाबा की मेंटल कंडीशन सही नहीं है। क्या मेंटल कंडीशन लगा के रखा है तुमने? अब बाबा के खिलाफ एक शब्द भी मत कह। तो तुम मेरे डैड के खिलाफ कुछ भी कहोगी और मैं सुनता रहूंगा। मैंने डैड के खिलाफ क्या कहा? तो यही तो कह रही हूँ, तुम्हारे कहने का मतलब यही कि मेरे डैड ने गलत डिसीजन लिया। मेरे डैड वहां पर सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बैठे हुए थे और पार्टनरशिप तोड़ने की बात माना बाबा ने की थी। आई डोंट बिलीव कि तुम इस सब के लिए बाबा को ब्लेम कर रहे हो अर्जुन। पूर्वी मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, माना बाबा मेरे गुरु है, उनको देखकर उनके साथ रहकर मैं इतना सब कुछ यहां तक पहुंचा हूं। बस तुमों की मेरी बात का पता नहीं क्यों गलत मतलब निकाल रहे हो। आई डोंट अंडरस्टैंड अर्जुन, मैं गलत मतलब कहां निकाल रही हूं? गलत मतलब तुम निकाल रहे हो। अच्छा चलो मेरी बात ना सही, कम से कम बाबा की बात तो समझ सकते हो ना, उनकी बात सुन लो। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि तुम इतनी देर से सिर्फ माना बाबा का साइड क्यों ले रहे हो। क्या मेरे डैड तुम्हारे डैड नहीं है? अर्जुन कैसी बातें कर रहे हो तुम? ऑफ कोर्स वो मेरे डैड है, इसलिए तो मैं चाहती हूं कि इन दोनों के बीच की गलतफहमी दूर हो जाए। अच्छा एक काम करते, मैं मेरे परिवार से बात करती हूं और तुम प्लीज डैड से बात करने के लिए इसके बाद रह क्या गया? क्या बचा है? जो कुछ भी आज हुआ उसके बाद मुझे बताओ कि बचा क्या? तुमने देखा डैड को? पूर्वी मेरे डैड ने आज तक बिजनेस में जितने भी लॉसेस हुए सब कुछ पॉजिटिवली लिया, लेकिन आज पूरा का पूरा मीडिया उनके सर पे खड़ा था, उनकी रेपुटेशन पे बात आ गई। पूर्वी गनियों से लेकर घर तक आते आते डैड एकदम गाड़ी में चुपचाप बैठे थे, मैं देख सकता था वो अंदर से टूट चुके हैं। अर्जुन मैं जानती हूं ये सब, उनकी बहू समझती है। अगर बहू हो तो बहू की तरह बिहेव करो पूर्वी। पूर्वी मैं सिर्फ इतना कहने की कोशिश कर रहा हूं कि तुम्हें बेवजह माना बाबा का साथ देने की कोई जरूरत नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर तुम इस घर की बहू हो, इस घर की इज्जत करती हो, तो मेरे डैड की इज्जत करना सीखो। बेवजह तुम्हें माना बाबा का साथ देने की कोई जरूरत नहीं। अर्जुन मेरी बात तो सुनो तुम एक बार। हाय बोल। हेलो ओवी। ओवी कैसी है तू? मैं ठीक हूँ। आई तू कैसी है? मैं अच्छी हूँ। अच्छा सुन, मुझे तुझसे काम है और वो तुझे करना ही करना है। तू कनाडा में ग्रीन सिटी हॉस्पिटल करके एक जगह है, तू जानती है वो कहाँ है? आई मुझसे इस हॉस्पिटल के बारे में क्यों पूछ रही है? अब तू कुछ बोलेगी या नहीं? तुझे पता भी है कि नहीं पता है? बता तो सही। हेलो हाँ हाय। अच्छा हॉस्पिटल है। हम लोग सोच रहे हैं कि सचिन की शादी के बाद एक बार वहाँ के मानव को दिखा दे, तो तू प्लीज उनका अपॉइंटमेंट ले लेना। हेलो वो भी तू ये काम कर पाएगी ना? हाँ तू चिंता मत कर, मैं अपॉइंटमेंट ले लूंगी। देखो भी मैं बहुत ज्यादा टेंशन में हूँ, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। मानव की हालत इतनी बिगड़ती जा रही है, इसलिए प्लीज तू इस डॉक्टर से बात कर लेना। ठीक है मैं सचिन को कह देती हूँ, वो मानव की सारी रिपोर्ट अब तक की तुझे मेल कर देगा। अच्छा सुन, तेरा असाइनमेंट कैसा चल रहा है और तू कब तक फ्री होने वाली है? सचिन की शादी पास आ रही है, तुझे पता है ना तुझे यहाँ आना है? हाँ वो चल ही रहा है, जैसे ही खत्म होगा मैं आ जाऊंगी वापस। ठीक है, और मुझे बताना जैसे भी बात होती रही ऑफिस। हाँ ठीक है, मैं रखती हूँ अभी। हाँ बाय। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर।